हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दिनेश चौधरी हेयर, और आज के ब्लॉग में हम आपको सीधा दिखाएंगे फॉरेस्ट। तो चलो सीधा मिलते हैं फॉरेस्ट पे। और चौधरी, ये कहाँ पहुँच गया भाई? इसको देखने के लिए वीडियो भाई पूरी एंड तक देखें, पूरा पता लग जाएगा। भाई ये और ख़तरनाक जगह भाई, कहाँ कहाँ घूम रहा है रे। अरे वीडियो में पूरा बना रहा हूँ, एंड तक पूरा पता लग जाएगा कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ और कैसे कैसे घूम रहा हूँ। बहुत स्वाद आने वाला है वीडियो में, बहुत ख़तरनाक फॉल्स और जंगल है पूरी वीडियो के अंदर। बने ही रहिए अंत तक भाई, अंत तक बने रहो, आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, निराश नहीं करूँगा, बहुत खूबसूरत वीडियो है। एंड में फॉल्स ही फॉल्स हैं और जंगल तो लाजवाब है। अभी हम फॉरेस्ट के लिए जा रहे हैं, और फॉरेस्ट है वाला पर ही, जो कि लास्ट टाइम हमने गाना यही गाया था, जैसे हम आगे देखो बहुत खूबसूरत। आ रहा है कि नहीं आ रहा है मज़ा भाई? मैं तो तुम्हें ऐसे ही घुमाऊंगा, मेरे साथ वाले बाइकर सारे बोल रहे होंगे भाई चौधरी भाई एक बार बुला लो, आ जाओ। तो मैंने थोड़ी रोका है तुम्हें भाई, आ क्यों नहीं रहे? चलो आगे चलते हैं भाई, जंगल घूमना है तो फॉरेस्ट घूमना है। आज मैं आज हाथी भी दिखाऊँगा आपको। यहाँ से ले लेना है राइट, और हम हो गए हैं अथरा पर। हम जा तो वाला पराई फॉरेस्ट है, लेकिन बीच में ये भी आता है फॉरेस्ट, जो लास्ट अथरा पर कवर किया था वो वाला पूरा रूट दोबारा आएगा, उसी रास्ते से होकर निकलेंगे। हाथी महाराज मिल जाए तो मज़े ही मज़े। क्या रास्ता बड़ा पोस्ट एंट्री हो गई है, यहाँ पे आपको एंट्री करानी है पोस्ट पे। तो भाई यहाँ पे चल रही है खतरनाक फोटोग्राफी, तो अथरापल्ली वाले रूट पे जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, तो ये वाला जो एरिया ना, ये मेरी उंगली के सामने हाइट हो गया थोड़ा, यहाँ पे हाथी के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मैं दो बार आया हूँ यहाँ पे, दोनों बार मेरे को हाथी मिल गया, लेकिन वो मैंने क्या शूट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ ये छोटा छोटा जो पानी चल रहा है ना, यहाँ पे उनको पानी भी आसानी से मिल जाता है, वो इसमें पानी पी लेते हैं, नीचे चले जाते हैं। और लास्ट टाइम तो उधर था ऊपर दो हाथियों का झुंड था, पिछली बार यहाँ पे तो कुछ लोग पैदल चल के जा रहे थे उधर हाथी के पास मज़े लेने के लिए, पर जो गलती से हाथी मज़े लेने आ जाते ना भाई, स्वाद आ जाता है। चले हम अपनी को आगे लेके, चलो अभी अगला पड़ाव हम रोकेंगे ब्रिज पे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हाथी मिल जाते हैं जंगल में, तो चलो आपको हाथी दिखा देता हूँ भाई। वो खड़ा है, कुछ खड़ा है नहीं दिखा क्या? चलो थोड़ी देर और तसल्ली करो, पहले तो पानी की आवाज़ आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड। और वो देखो हाथी उंगली के आगे दिख गया, नहीं दिखा अभी? अरे वो जा रहा भाई, उसके पास जाऊंगे, खा रहा है या किसी को खिला रहा है? आगे जाने की हिम्मत तो है नहीं मेरी, बच्चे आगे। अरे गाड़ी वाले किनको बच्चे बोला भाई, एक ही हाथी है, एक हाथी खाना खा रहा था और हाथी ने खाना खा लिया है और हम चल दिए। मैंने आपको हाथी दिखा दिया, एक करार आपके साथ कंप्लीट हो गया। कुछ तो स्पेशल खा रहा है यार, ये घास खा रहा है, घास। अब यहाँ से दिखना हो गया वो बंद, पीछे चला गया वो, और पीछे चला गया हाथी वो रहा। तो जैसा हमने आपको बोला था हाथी दिखाएंगे, तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई। हाथी महाराज वहाँ पे हैं, वो पेड़ के पीछे, इससे दिख रहे हैं पूरे, इससे क्या मज़ा आ रहा है भाई।
और अभी हम यहाँ से चलते हैं, ये लोग बोल रहे हैं, बोले आगे निकलो, रुक नहीं सकते। थैंक यू सो मच। ब्रिज, वो ब्रिज बड़ा ख़तरनाक है, वहाँ से पानी के पास है ना फ्लो देखना, जो अथरावली वाटरफॉल का फ्लो वहीं होके जो पानी है ना वो वहीं आ रहा है। चाय खा रही हैं, आराम से जा रही हैं। भाई इनकी ज़िंदगी क्या हरिया, क्या खाना मिल रहा है मस्त यार। ये तो गाय बहुत दूध देती होगी, ये तो काम की गाय, वैसे तो सारी काम की गाय हैं, लेकिन यार इसको तो ले जा दूध निकाल के पिया कर। तो उसी रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो दो रास्ते हैं, एक ये जंगल की तरफ जा रहा है, यहाँ पर फिर से चेक पोस्ट है, यहाँ पर फिर एंट्री करानी पड़ेगी, और दूसरा जा रहा है अथरापल्ली, उसके बाद जंगल रोड अथरापल्ली रोड। अब यहाँ पे हम फिर से रोकेंगे, अब आपको ब्रिज दिखाते हैं जहाँ से। तो मैं जो आपको बोल रहा था, वो जो अथरापल्ली वाटरफॉल उधर है मेरी उंगली के सामने, आगे जाके काफ़ी वहाँ से पड़ेगा 10-12 किलोमीटर, तो वहाँ से ये पानी आता है। यार पानी आज थोड़ा खराब नहीं अच्छा है, लैडर के थ्रू आप जाके नीचे मज़े कर सकते हो। चार दिन खड़ी हुई है और उसके बाद देख रहे हो फ्लो, देख रहे हो जो मैं फ्लो आपको दिखाना चाह रहा हूँ यही है मस्त एकदम। वहाँ पर कुछ लोग गए हुए हैं, वो पता नहीं कौन से रूट से गए हुए हैं, उसका पता करना पड़ेगा थोड़ा एक बार। ये पता नहीं जंगल हमें कहाँ लेके जाएगा, बस चलो जो जंगल में जा ही रहे हैं तो जंगल में ही चलते। तो भाई यो हम जाते जंगल में रहते, बट ये जंगल जा पा रहा है भाई, काफ़ी खूबसूरत जंगल है। भाई मज़ा सा आता जा रहा है आगे, तो कोई कुछ कहेगा तो नहीं, कोई बस पकड़ ना ले भाई। जंगल जंगल में चला, बाप रे क्या मज़ेदार चीज है। अरे भाई आते लोग बैठे हुए पहले इसको लोग, यहाँ पे आ गए ये लोग बाग मस्त बैठे हुए। ऑफ है क्या भाई? हाँ ऑफ है, उसकी चाय भी ले लेते हैं। दैट विल बी क्वाइट इम्प्रेसिव फॉरेस्ट। चलो लोकल ही लोग हैं, बड़ा मज़ेदार होगा। कुछ लोग नहा रहे हैं इधर, भाई वाह खतरनाक व्यू तो ये तो खतरनाक, लोग नहाए हुए हैं इधर, कुछ लोग बैठे हुए हैं मस्त आराम से। और पानी ये पूरा आ रखा है भयंकर वाला, कुछ नंगे पुंगे पड़े हुए हैं भाई घर। इन लोगों की फ़ोटो नहीं लेते क्योंकि नंगे हैं, क्या पता बोलने लगे ना ले रहा हो। भाई साहब हमने अपना उतार दिया, इधर तो स्विमिंग भी कर सकते हो, काफ़ी मज़ेदार सीन है। चलो अभी यहाँ से निकलने में फ़ायदा होगा, ज़्यादा देर ज़्यादा जगह नहीं रुक सकते, लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, बिलीव कर रहे हो? थैंक्स टू मी टू बिलीव इन मी, थैंक्स टू मी टू मेक मी बिलीव इन मी। वाह व्हाट ए लवली डायलॉग। अरे तुम तो भैया खतरनाक आदमी हो, ऑन द चाबी रन द इंजन। थोड़ा इंतज़ार कर लिया कर भाई, इसको पूरी तरीके से ऑन हो जाने दिया कर। अरे पंचर मत कर लियो, फिर तो नहीं होगा, रास्ता तो सही है। चलो भाई वाह, क्या खूबसूरत जगह है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। आप हमें प्यारे हैं और आप हमें प्यारे, मज़ा नहीं आया, हम आपको प्यारे हैं और आप हमें प्यारे हैं। वाह 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 वाह, जंगल जंगल में चला, 10 रुपये की पेप्सी और दिनेश चौधरी भैया से एक्सी। वाह 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 वाह, ओह माय गॉड, जंगल से हमने बाइक को निकाल दिया, इधर से कोई नहीं मारा, उधर से भाई साहब ने हॉर्न बजा दिया। ओ भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अथरापल्ली, बाइक खड़ी करके हम थोड़ा सा तो व्यू बनाएंगे, यहाँ थोड़ी सी तो मज़े लेंगे, जब पूरी घंटा टाइम से एक बाइक आएगा तो यहाँ से तो खतरनाक भी चलना है। अथरापल्ली फॉल्स पे चलो ले लेते हैं एक वीडियो अथरापल्ली फॉल्स की यहाँ से। तो जिस फॉल्स की हम बात कर रहे थे, माय गॉड सो व्हाट अ लवली, तो
नीचे गाड़ियां पार्क हो रखी हैं, इसका मतलब नीचे नीचे रिजॉर्ट है, आगे वो फॉल्स हैं, अथरापल्ली फॉल्स इनको कहा जाता है। बाहुबली मूवी की शूटिंग भी इधर ही हुई थी मैं भाई, क्या मज़ा आ रहा। ऊपर से आपको मैं फेंक दूँ फॉल्स में तो क्या बच पाएंगे, और तो आपको दूँगा चलो ठीक है ऐसे। तो अथरापल्ली वाटरफॉल को हमने कर दिया क्रॉस, नाउ वी आर मूविंग टू फॉरेस्ट। वाओ व्हाट अ लवली प्लेस, अभी निकल जाता हमारा लवली वे, बच गए हम। बहुत तेज चला रहे थे हम। ए ब्रदर, यस ओह माय गॉड, कितना यहाँ तक पार्किंग करके लोग पैदल जा रहे हैं। तो यू कैन अज्यूम द लेवल। Now we are moving towards forest. तो हम आपसे forest की बात कर रहे थे कि आज forest दर्शन के लिए जाएंगे। अभी जस्ट मैंने अथरापल्ली waterfall क्रॉस किया है, क्या बोल रहा हूँ, अथरापल्ली waterfall को जस्ट क्रॉस किया है। ये देखो ऊपर से कैसे पानी आ रहा है, ये सब उधर ही चला जाता है। अथरापल्ली को जस्ट क्रॉस किया है waterfall वाले एरिया को, आगे देखो littering here is top tier, भाई जो लिखा हुआ है उसका क्लियर फॉलो करें। ये चाचा सिक्योरिटी पे बैठे हुए हैं पीछे चाचा, इसका मतलब जैसे ही क्रॉस करोगे जंगल आ जाएगा। वाह बड़ा अच्छा लगता है यार, ये देखो ये जो ऊपर से आ रहे हैं ना, ये नीचे पानी है पूरा। वाह रुकना मत भाई, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, कितने अच्छे सुंदर शब्द लिखे हुए हैं, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, इससे सुंदर शब्द नहीं मिलेंगे भाई। बचानी है आपको, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि जंगल को नुकसान हो। जंगल से बेशकीमती कोई चीज़ नहीं है, ये आपको इस बात से अनुमान लग जाएगा कि इस बार टेम्परेचर 50 से ऊपर निकल गया। ये जंगल काटने, पेड़ों को काटने, पेड़ ना लगाने, उल्टी सीधी चीज़ें इधर उधर फेंकने, इन सब से ही तो होता है। ध्यान से चलें, अभी बारिश आएगी तो ये वाटर लेवल बढ़ जाएगा, ये पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो ध्यान से चलें, मज़े लेते हुए चले जंगल के, आज जंगल का ही रास्ता है पूरा, मज़ा आने वाला है भाई चादरी। तो हम जा रहे थे छरपरा छपारा कुछ ऐसे करके बीच है, ये आगे का एरिया है भाई, ये एरिया आगे का, यहाँ पे सिक्योरिटी भी खड़ी हुई है, बाइक लगा देते हैं। व्हाट अ लवली व्यू, ओह माय गॉड, व्हिच प्लेस इज दिस ब्रो, व्हिच प्लेस भाई साहब, क्या बात है। ओ मंकी, ओह माय गॉड, नहीं 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 कुछ ना कह रहा, वो डरा रहा है मेरे को छोटू सा। पूरा खाएगा रप्पो वाटरफॉल, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग, वाह व्हाट अ लवली प्लेस, इसको तो मैं भूल ही गया था। बात करते हैं यहीं से, मज़ा तो आ रहा होगा ना आपको वीडियोस में, या नहीं आ रहा, क्या बात है, ताली बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा हूँ ब्रो, वन मोर बाइकर इज देयर, इफ यू वांट टू कैच हिम मीट हिम यू कैन। भाई साहब एक और बाइकर हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो जिस नाम से फॉरेस्ट है उसी नाम से वाटरफॉल भी है। वी आर जस्ट फॉरेस्टेड है, मोर बाइकर्स आर कमिंग फ्रॉम आगे से, बट पीपल आर कट बाइक पीछे की तरफ। डोमिनोर है, निंजा है, केरला टूरिज्म डॉट ऑर्गेनाइजेशन वेलकम यू, ओह माय गॉड, बाइक ओवर बाइक, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम। सो आई गॉट अ क्रू नाउ, हाय ब्रो, ऑल गुड, सो मच गुड ट्रैफिक पीपल, ओह माय गॉड, कर्नाटका कर्नाटका बटालियन इनसे एंटर्ड राजाचल वाटरफॉल, अभी आगे।
तो सबकी एंट्री बंद है, सबको लाइन में लगा दिया। पीछे देखो सारी गाड़ियां पार्क हो रखी हैं, पुलिस ने उधर लगा दिया, बोले 1 बजे के बाद जाना और अपने को परमिट मिल गया। प्यार से बोलो कहीं बैक इन टाइम रिटर्न टाइम 4 फाइनल। ओके 4 बजे से ज़्यादा दिन नहीं जाएंगे। फॉरेस्ट रेंज, फॉरेस्ट ऑफिस, चार पाँच लोग रह गए और वही है यार, प्यार से बोलो आप कहीं भी जाओ। हाँ प्यार से बात किया, उन्होंने मेरा पास बना दिया। अभी चलते हैं भाई आगे, पूरा आगे 80 किलोमीटर बाद वलपरा है, तो उससे वहाँ तक तो पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, तो प्यार से चलो। ये एक और कोई खूबसूरत ब्रिज पड़ा है वो जंगल में जाने से पहले। वाह वाह ए ब्यूटीफुल ब्रिज यार, यही होगा बहुत चल ब्रिज हो सकता है इसका नाम। ये देखो यहाँ ये पूरा आ रहा है ना, यही जा रहा है भाई आगे, तो अतरापल्ली वाटरफॉल नीचे जाके बनेगा, उससे पहले एक और वॉल बनता है, तो धीरे धीरे हम चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सेफ्टी। दूसरी क्या होती है? सेफ्टी। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी। तो क्या करना है हमें? सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, सतर्कता रहनी चाहिए, अलर्टनेस, दैट्स कॉल्ड अलर्टनेस, वो सबसे ज़्यादा इधर ज़रूरत है। अगर जहाँ सेफ्टी पर ध्यान है आपका पूरा और अलर्ट हो आप, तो 99.999% जो एक्सीडेंट होते हैं वो अवॉइड किए कर दिए जाते हैं। कुछ मशीनरी ब्रेकडाउन की वजह से होते हैं, कुछ दूसरों की गलती से होते हैं, उनको भी अवॉइड किया जा सकता है अगर जो वो सामने वाला भी अलर्ट है तो। ठीक है, तो ये सेफ्टी पर लेक्चर हो गया तो भाई, अब इस सेफ्टी के लेक्चर को छोड़ो और इस जंगल के मज़े लो। पहले प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, फिर से सेम वही चीज़ दोबारा आपके सामने, मतलब रिपीटेशन में दी जा रही है, ऐसी कोई गलती ना करें। पूरा जंगल ही जंगल है। ओ भाई साहब क्या स्टार स्टार मार रहे हैं यार, वेली मार रहे हैं लड़के, मज़े ले रहे हैं। जंगल ही जंगल है, जंगल है तो अच्छा, लेकिन ये गाड़ी वाले को देख रहे हो कितना तेज आ रहा है, बचा ही नहीं रहा। जंगल है तो अच्छा, रोड थोड़ी छोटी है तो सावधानी से चढ़ें, बैलेंसिंग भी थोड़ी कम है, मतलब रोड में बैलेंसिंग तो थोड़ा स्वेलिंग है रोड में। ये जो अतरापल्ली वाला से आगे और वाजाचल, और वाजाचल से फिर वो वालापरा फॉरेस्ट है, वो उधर की तरफ रोड में स्वेलिंग है। आपको एहसास नहीं होगा, आपको लगना होगा वो जो इंजीनियर्स आते हैं ना जो वो करते हैं, तो यार इतने ऊपर रोड बनाना और इस प्रकार से मेंटेन करना, इट्स नॉट ए स्मॉल डील, बहुत बड़ा काम है। पेड़ गिर जाना, हर बार उनको काटना, फिर उठाना, फिर मेंटेन करना, वेल डन रोड वालों, थैंक्स टू रोड अथॉरिटी, इन्होंने भी ये बनाया, काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी हम आगे बहुत प्यार से चल रहे हैं, हमें क्या खूबसूरत नज़ारा है, कहाँ जाएगा यार इसका। ये प्रकृति से खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता यार। कोई बोलता है फलाना इतना सुंदर है, उसका चेहरा इतना सुंदर है, अरे फक ये देखो, इससे सुंदर कुछ हो सकता है? ना बताओ, इससे सुंदर कुछ हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता भाई इससे सुंदर कुछ हो सकता होगा यार। आप जा रहे हो 20-25 की स्पीड पर, 22 की स्पीड पर, 23 की पर, आराम से मस्त घूमते हुए, आगे से सुंदर सुंदर गाड़ियाँ आ रही हैं, और मत बताना केरा, तमिलनाडु के ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि तमिलनाडु का बॉर्डर आने वाला है। तो जा रहे हो आराम से 20 की स्पीड पर, और ये बाइक कैमरा लगा हुआ है, अच्छी खासी बाइक है, आपके पास पूरा मौका है खुद से बात करने का, एक डर है रोड पे जानवर ना कूद जाए, ठीक है भाई, पूरा जानवरों से भरा हुआ है, आपको दिख रही है गोबर पड़ा हुआ है यहाँ पर, फ्रेश भी पड़ा हुआ है, महक आ रही है 2-4 जगह से, तो आप बिलीव कर सकते हैं कि यहीं आस पास होंगे। भैंस भी हैं, भैंसा भी हैं, हिरन भी हैं, हाथी भी हैं, बंदर तो हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को फीड नहीं करना, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, आप जा रहे हो तो किसी को फीड नहीं करना यहाँ पर, तो वो थोड़ा ध्यान रखना।
हो जाते हैं। तो मेरा क्या प्लान बन रहा है दोस्तों, मेरा मूड सोच रहा है कि आज के लिए काफ़ी हो गया तेरा जंगल राइड, तू यहाँ से वापस ले ले और वापस चल। तुझे जंगल ही जंगल है आगे, तो कितने भी जंगल में जाओ उसके बाद दोबारा कभी आ जाना है, तो क्या कहते हो? मन कह रहा है तो मन की माननी चाहिए ना, बिल्कुल माननी चाहिए। और मैं तो मन का राजा हूँ, मन का राजा बोल रहा है कि चल वापस, तो चल भाई। तो अगर जो मन ने कह दिया चल वापस तो चल, चल वापस तो चल, गाड़ी भी तुम्हें रोकनी नहीं है, यहीं से टर्न मारते हैं और इसके बाद वापस चलते हैं। चलो, मन के राजा ने जंगल में आके बीच में बोल दिया कि वापस चलो, तो चलो। ये वाजाफल फॉरेस्ट है, हम फॉरेस्ट ही देखने आए थे, तो राइड हो गई फॉरेस्ट में, तो जो दिल करे तो उतना ही करो। ओ माय गॉड, ये किसका पेड़ है यार, काफ़ी बड़ा पेड़ है यार, इतना ऊपर तक गया, काफ़ी साल लगा, लाखों लाखों में तो दिखेगा यार। ये नीचे से काट भी रखे हैं इनकी छालें, पेड़ ही पेड़ है यार, क्या पेड़ है इतने यार। मैं अपने घर पर काश इतने पेड़ लगा पाऊँ इतने इस जंगल में, मज़ा आ जाएगा कसम से, मम्मी की कसम मज़ा आ जाएगा। तो चलो अभी इतना ही बहुत है यार आज के लिए, अगली राइड फिर जल्दी आएंगे। और ये पैनियर्स नहीं लाएंगे, रोड बहुत छोटी है, लोग बाग बहुत तेज़ आ रहे हैं आगे से, और पैनियर के साथ इस रोड पे बचाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो अगर जो आप पैनियर्स के साथ आ रहे हो तो थोड़ा स्पेशल अटेंशन दे लेना, यहाँ तो रोड थोड़ी चौड़ी है। तो चलो वापस चलते हैं। हाँ वादे चलो वाटर, ये ओ भाई ये देख रहे हो क्या सांप की तरह ऐसे करके चल, क्या क्या बात है, दिल जीत लिया यार, दिल जीतने वाले बाजीगर हमने ना तुझे पहचाना है, नच रहे तो उठा के देख जरा तेरे सामने तेरा दीवाना है। ये थोड़ी दूरी तमिलनाडु बॉर्डर आ जाता, लेकिन हम सोचे केरला में जब एक्सप्लोर कर रहे हैं तो तमिलनाडु में जाना क्यों, तमिलनाडु के लिए दोबारा जाएंगे, सही है कि नहीं? तो थैंक यू केरला, केरलम, अगली बार देखेंगे जब हम बोलेंगे कि हाँ तमिलनाडु जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ केरला एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत है भाई जंगल, खूबसूरत जंगल। तो अच्छा चल, वाटरफॉल भी देखते हुए हम जाएंगे आगे, लोगों को जहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी हमने एंट्री ले लिया, वापस चल रहे हो क्या पठा रहे यार, यहाँ पे चल के आराम से टेंट लगा के बैठ जाओ दो चार घंटे यार, तो टेंट लगाने में कितना वक्त जाए, गोबर पड़ा हुआ है यहाँ पे पूरा, गाड़ियों ने घूम लिया, आगे भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जंगली जानवर तो है इधर, तो ये पत्थर टूटे हुए पड़े हैं, इसका मतलब रोड भी धड़ापड़ पड़ा कर टूट गई यार, बंदर ही दिख जाता आराम से हवाबाजी में, हवाबाजी वाले हॉस्पिटल में मिलते हैं ज़्यादा। आज तक कभी हुआ नहीं हुआ, तो भाई पेड़ के नीचे जंगल में तो खड़ी नहीं कर सकते बाइक को, तो जल्दी से जो सामान रखने गए चाहिए हो। वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, वापस चलते हैं अभी, और नई ट्रिप की वीडियो बहुत जल्दी आएगी। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर जो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।